में सड़क नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं और सड़क सुरक्षा भगवान के आसरे चल रही है। पिहोवा एक घनी आबादी वाला शहर है, परंतु यहाँ पर वाहनों की काफी भीड़ लगी रहती है। कोई भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करना चाहता, जिस कारण आए दिन छोटे मोटे हादसे होते ही रहते हैं। जीरी का सीजन होने के कारण फैक्ट्रियों की पुरानी बेचने के लिए बड़े बड़े ट्रॉले पुरानी को भर कर शहर से होकर गुजरते हैं, जिस कारण बड़े बड़े ट्रॉली होने के कारण यातायात में बाधा पड़ती है और ट्रैफिक जाम की समस्या हर रोज कई बार होती है, जिससे लोगों को काफी तंगी का सामना करना पड़ता है। परंतु इसके विपरीत प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है और ट्रैफिक पुलिस की तो पूरे शहर से गायब ही हो गई है। पूरे शहर में किसी मोड़ पर या किसी चौराहे पर एक भी पुलिसकर्मी देखने को नहीं मिलता, जिस कारण लोग अपनी सुविधा के अनुसार यातायात के नियमों को अनदेखी करते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि इन बड़े बड़े भूसा भरे ट्रॉलों को दिन में शहर से आने की इजाजत नहीं होती, या केवल रात में 9 बजे के बाद सुबह 5 बजे से पहले ही शहर में आ जा सकते हैं। परंतु प्रशासन की निकासी के कारण इन पर कोई रोक टोक नहीं है, जिससे कि प्रशासन खुद ही दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। इसके अलावा शहर या आसपास जितने भी बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, वहां पर एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आता, इसलिए लोगों को किसी भी प्रकार का भय न होने के कारण ट्रैफिक नियमों की अनदेखी हो रही है। इसके अलावा पिहोवा एरिया में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। पहले बैरिकेड्स खाली होने की वजह से और पुलिस की चौकसी कम होने के कारण अपराधियों को अपराध करने का मौका मिल रहा है, जिस कारण पिहोवा में कुछ ही सालों में नशे का कारोबार अपने आप पैर पसार चुका है। पिहोवा में सड़क के नए नियमों की सरेआम उल्लंघना हो रही है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है, जिस कारण लोग परेशान हैं और प्रशासक अपनी नींद सो रहा है।